ट्राई करेंगे कुछ बहुत ही यूनिक और टेस्टी सी डेजर्ट जो है मैंगो राइस पुडिंग। आप इसे मैंगो राइस खीर भी कह सकते हैं। ये बहुत ज्यादा यमी होती है और आई एम श्योर कि अगर आप इसे बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही पसंद है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग विद कविता। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको एक नीचे बेल आइकन दिखाई देगा उसको भी जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको हर नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने 500 ml फुल फैट मिल्क का यूज किया है। इसे मैं बहुत अच्छे से बॉईल कर लूंगी। यहाँ पर मैंने लिए 2 tablespoon चावल, इन्हें मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके 10 मिनट के लिए इसे सोक करने के लिए रखा है। अब मिल्क में अच्छे से बॉईल आ चुका है, तो हमने जो राइस को सोक किया था वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और इसको ऐसे ही धीरे धीरे चलाते रहेंगे बीच बीच में, जब तक ये राइस कुक ना हो जाएगा अच्छे से। अब राइस जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर। मैंने लिया है 2 tablespoon शुगर। थोड़े से मैंने नट्स लिए हैं, वो मैंने चॉप कर लिए। इसमें मैंने थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा पिस्ता लिया है। और 1/4 teaspoon मैं ले रही हूँ इलायची पाउडर। इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और 5 मिनट तक और कुक करेंगे। अब मुझे इसे चलाते चलाते 5 मिनट हो चुके हैं, तो सब चीज बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब मैं गैस को ऑफ कर दे रही हूँ और मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 cup मैंगो प्यूरी। और थोड़े से मैंने लिए मैंगो चंक्स या मैंगो क्यूब्स, इनको भी ऐड कर ले रही हूँ। और थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ मैं रोज वाटर, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और सिर्फ रूम टेम्परेचर में आने देंगे। ये पुडिंग नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आ गई है, तो मैंने इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है। अब मैं इसे रेफ्रिजरेट करूंगी 15 मिनट के लिए, जिससे ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी। मुझे इसे फ्रिज में रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। गर्मियों का मौसम हुआ और मस्त बढ़िया सी डेजर्ट मिल जाए खाने को, वाह मजे ही आ जाए। आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसे शायद ही बहुत कम लोग होंगे जिसने ये डेजर्ट खाई होगी। क्या बढ़िया लग रही है देखने में। थोड़ा सा इसमें हम डालते हैं मैंगो क्यूब्स, थोड़ा सा पिस्ता और रोज पेटल। लग रही है ना शानदार देखने में एकदम। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और अगर आप आज की रेसिपी को ट्राई करते हैं तो मेरे साथ अपने फीडबैक जरूर शेयर करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी टैग कर सकते हैं। Next recipe, take care and bye-bye.